नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस लॉकडाउन में जहां लोग घरों में कैद हैं, तो वहीं दूसरी ओर तस्कर अपनी गतिविधियों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। राजगढ़ में लेकिन पुलिस की सक्रियता से एक मामला सामने आया है, जहां पर लगभग 3 लाख रुपए की स्मैक जब्त की गई है। राजगढ़ के जीरापुर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के प्रयास लगातार जारी है। जिले की पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास कर अपराधों पर अंकुश लगाने की कार्यवाही की जा रही है। 13 मई को अवैध मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी करने के बारे में पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई थी। मुखबिर की सूचना के बाद जीरापुर क्षेत्र में आवास कॉलोनी के पास पहुंचकर मुखबिर के बताए अनुसार एक व्यक्ति पीले रंग की टी शर्ट और नीले रंग की लोअर पहने हुए सोसाइटी के सामने छात्रावास की बाउंड्री से लगे मकान के आंगन में बैठा हुआ था। संदेही के नजदीक पहुंचने का प्रयास करने पर व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसको टीम ने दबोच लिया। आरोपी से पूछताछ पर उसने अपना नाम गौरी शंकर उर्फ गोलू बैरागी बताया। संदेही की तलाशी लेने पर उसके लोअर की जेब से प्लास्टिक की थैली में सफेद रंग का पदार्थ होना पाया गया, जिसे सूंघकर और चखकर पुलिस टीम को विश्वास हो गया कि यह अवैध पदार्थ स्मैक है। आरोपी के पास से कुल 30 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक विधिवत जब्त की गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3 लाख रुपए होना बताई जा रही है। श्रीमान राजगढ़ जिले के एसपी साहब श्रीमान प्रदीप शर्मा साहब के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध और समस्त अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में कल दिनांक 13 मई 2020 को सूचना मिली कि जीरापुर के आवास कॉलोनी में मंडी प्रांगण के सामने वाले मकान में एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ स्मैक का लेकर बैठा हुआ, उसे विक्रय करने के लिए बैठा हुआ है। जिस पर से सूचना पर कार्रवाई करने हेतु श्रीमान एसपी साहब की टीम ने और थाने की टीम ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस कार्रवाई में दबिश देने के दौरान उक्त मकान में आवास कॉलोनी के उक्त मकान में आरोपी गौरी शंकर उर्फ गोलू पिता घनश्याम बैरागी उम्र 20 वर्ष निवासी जीरापुर को पकड़ा। जिस पर तलाशी लेने पर उसके पास से 30 ग्राम अवैध मादक पदार्थ इसमें प्राप्त हुई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बाजार में कीमत करीबन 3 लाख रुपए है। मौके पर कार्रवाई की, लिखापढ़ी कर थाने लाकर इस पर असल अपराध क्रमांक 211/20 धारा NDPS की 8/21 में पंजीकृत किया गया है। आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है 2 दिन के लिए। पूछताछ की जा रही है ये मादक पदार्थ कहां से लाया था और किस को विक्रय करने के लिए रखा गया था। उक्त कार्रवाई में थाने पर जीरापुर के सब जितेंद्र अजनारे, सब मंगल सिंह राठौर एवं रविन्द्र और अन्य आरक्षक गणेश महेंद्र सागर, प्रधान आरक्षक सुनील कुशवाहा, अन्य लोगों ने सराहनीय कार्य किया है।